इसमें हम पॉलिटी जो सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसमें 2017 के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चंस हैं जो 2017 में पूछे गए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे रिपीटेड नेचर के होते हैं, खास करके फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, फंडामेंटल राइट्स देखो, जो डीपीएसपी देखो, या फिर जो पार्लियामेंट के हैं, प्रेसिडेंट के हैं, जुडिशियरी, मतलब कुछ जो चैप्टर्स होते हैं उससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो कह रहा कि द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो किसके रिकमेंडेशंस पे हुआ था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो डिफरेंट जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसमें आपके जो करप्शन वगैरह और बहुत सारे जो चार्जेज हैं तो उसके संबंध में ये इसका जांच करना काम है। तो ये ऑब्वियसली जो है तो ये के संथानम कमिटी के रिकमेंडेशंस पे इसको बनाया गया था। तो ए आपका या डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नाइन्थ शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द। नाइन्थ शेड्यूल में कुछ वो सब्जेक्ट्स रखे गए थे जो दे वेयर प्रोन टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो कोर्ट है वो कोर्ट उस केस को रिव्यू, एक तरह से उसमें जो इशू है, मैटर है, उसको रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद जो भी मैटर उसमें रखे गए हैं वो भी जुडिशियल रिव्यू के तहत आते हैं। तो ये जो थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 में है, जो शंकरी प्रसाद केस के बाद जो एक जो बाद आया, फिर आपका उसमें से जो कुछ चीजें निकली उसके बाद जो है पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत जेएल नेहरू उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो ये इसको ऐड किया गया, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डील्ड विद द इशू ऑफ क्रीमी लेयर अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। अभी देखो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनका 8 लाख जो इनकम रखा गया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली क्या था, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस था, उसके आधार पे ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन देखो कि अभी ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पे भी दिया जा रहा है, तो उसको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया। तो इसमें इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कुछ चीजें अभी भी पेंडिंग है, अभी फुल रूप से डिसीजन नहीं हो पाया है कंप्लीटनेस में, बट मेजोरिटी चीजें ठीक है, चल रही है। तो ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये बोला गया कि जो आपको एजुकेशनल और जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था उसमें एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पे आप रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन उसमें से क्रीमी लेयर को हटा दोगे। अब क्रीमी लेयर सिर्फ और सिर्फ 8 लाख इनकम नहीं, उसमें से अगर जैसे फार्मिंग फैमिली से इनकम 8 से ज्यादा है तब भी उनको मिलेगा, या फिर यदि नौकरी है तो नौकरी में गैजेटेड नहीं होना चाहिए, या उसमें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को छोड़ करके वो ज्यादा भी रहता है तो मिल जाता है। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 3 में आपका जो है फंडामेंटल राइट्स है, तो इनिशियली जो केस का गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि जो आर्टिकल 13 के तहत ये दिया हुआ है कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेज है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक तरह से काम था कि अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट नहीं है, तो इसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं है कि उसको पार्ट 3 को आप चेंज करो। तो ये गोलकनाथ केस में था। बाद के केस में देखो, आज ये कंडीशन वर्तमान में देखो तो क्या सिचुएशन है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कि इट विल नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो उसका एक तरह से डिफरेंट स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन रखने के लिए, अदरवाइज ऑब्वियसली है ऑल स्टेट्स आर अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गवर्नमेंट, एक तरह से गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, ड्यूल गवर्नमेंट है, तो एक यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, लेकिन हर स्टेट्स के बीच कंपटीशन भी रहता है। वो कंपटीशन यदि हेल्दी हो तो दैट्स
लेकिन सम टाइम जो है अनहेल्दी कंपटीशन टाइप का होता है कि ये का पार्ट को हम कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें, तो उसको डील करने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल को बनाने का प्रोविजन है आर्टिकल 263 में। तो वो कौन ऐसे करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो भारत के प्रेसिडेंट है वो करते हैं। नेक्स्ट है, विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग वॉज मोर द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। एक्चुअल में देखा जाए तो आप इसको हिस्ट्री में कंसिडर कर सकते हो, बट चल ठीक है, मतलब यहाँ डाल दिया मैंने, लेकिन हिस्ट्री में मेनली आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि सारे टर्म्स जो हैं वो पॉलिटी के हैं, तो इस वजह से हमने इसको रखा है। तो देखो, डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट इनफैक्ट देखोगे कि गांधी जी ये सब उसको डिनाई किए कि सेपरेट इलेक्टोरेट सही नहीं है, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था इसमें डिमांड में। यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर ये था, एडल्ट सफ्रेज था, तो बी नहीं था आपका। नेक्स्ट आपका कह रहा कि हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कंसेप्चुअलाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सीमलेस वेव। सीमलेस वेव इन द सेंस है कि जो सीपन रहित जाल, यानी कि एक कंटिन्यूटी है, उसमें एक पार्ट जो है डिफरेंट पार्ट से जुड़े हुए हैं, और जो एक का रिलेशन जो है दूसरे से है, आप किसी एक को सेपरेट में नहीं देख सकते हो। तो वो जो है ग्रेनवाइल ऑस्टिन जो है उन्होंने कहा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा कि कौन सा इसमें से सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, करेक्ट कौन सा है। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर्स, नो। 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को उपलब्ध है, और बाकी के जो आर्टिकल है वो दोनों के लिए है। तो 15, 16 तो ये गलत हो गया। सेकेंड जो है, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। तो जो ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 16 है, तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को उपलब्ध है, ठीक है, तो ये आपका जो है ये सही है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स अलाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो कहता है कि आर्टिकल जो आपका 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दोनों को, सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेनर्स अलाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भी आपका ये सही है। तो इसका बी हो जाएगा, 2 एंड 3, क्योंकि जो जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो या सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, राइट टू लाइफ तो आप सबको रखोगे, ऐसा नहीं है ना कि जो फॉरेनर्स हैं उनको राइट टू लाइफ ये नहीं करोगे। तो जो आपके 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है सिर्फ इंडियन को है, बाकी सब को उपलब्ध है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, हु अमंग द फॉलोइंग आर इंटाइटल, इंटाइटल्स की जगह इंटाइटल, टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज इंस्ट्राइंड इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमने ये देखा था कि पिछले क्वेश्चन में 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ जो है सिटीजन को है, और बाकी जो है वो सबको उपलब्ध है, तो 14 तो सबको उपलब्ध रहेगा। तो करा ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, यस इनके तो होगा ही। ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, नहीं, जब विदेश में आप होते हो तो ये सारी चीजें नहीं, उसमें आर्टिकल 21 लागू होता है, सेकेंड नहीं होगा। फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस ये भी होगा, क्योंकि देखो इसमें से शामिल नहीं है तो ऑब्वियसली है फॉरेनर को भी होगा। ऑल सिटीजन्स बोर्न इन इंडिया, नो, एक्चुअली देखो इंडिया में बोर्न हुए लेकिन आप अमेरिकन सिटीजन हो गए, आप मॉरिशस के सिटीजन हो गए, या आप ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के सिटीजन हो गए, आप वहां रह रहे हो, तो सारा चीज वहां लागू नहीं होगा ना, तो ये आपका 1 एंड 3 हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का संबंध में कौन सा करेक्ट? माइनॉरिटीज कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, यस ये सही है। ओनली लिंग्विस्टिक, इथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल। एक्चुअली इथनिक माइनॉरिटी नहीं है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, तो ये गलत हो गया इथनिक के कारण। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज अनफेटर्ड राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, नो। देखो हमेशा ध्यान रखो, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, तो अनफेटर्ड जो है राइट नहीं हो सकता है, आपका बेरोक अधिकार नहीं हो सकता है, तो इसके कारण ये गलत हो गया।
नेक्स्ट है एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय अ रिलीजियस माइनॉरिटी लूजेज इट्स माइनॉरिटी स्टेटस ऑन रिसीविंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम गवर्नमेंट. नो, इनफैक्ट गवर्नमेंट का एड प्राप्त हो रहा है फिर भी वो उसको माइनर माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन का यदि स्टेटस है तो वो रह सकता है. तो ए इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच. इसमें से करेक्टली कौन सा मैच है. करा रूल ऑफ लैब्स पार्ट ऑफ ग्रांट डेट कैन बी कैरिड फॉर ओवर टू नेक्स्ट ईयर. नहीं, नेक्स्ट ईयर ये कर तक लैब्स वो होता है जो आपने उस ईयर तक में खास फिनिश किया, यानी किया तो ठीक है, नहीं तो वो लैब्स हो गया, यानी कि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. जैसे आपको सपोज करो कि बजट में 5000 करोड़ का प्रोविजन किया गया, आपके डिपार्टमेंट को कोई भी डिपार्टमेंट में दिया गया 5000 करोड़, अब उसको क्या करना है 31 मार्च मान के चलो 2024 तक खत्म करना है, फिनिश करना है. फिनिश करने का ये मतलब नहीं आप उसी बर्बाद कर दोगे तो फिर आपका उस पर इंक्वायरी होगा, लेकिन उसको एक्सपेंडिचर करना है जिस इंटेंडेड पर्पज के लिए दिया गया. अब आप 31 मार्च 2024 तक नहीं खर्च करते हो तो फिर वो लैप्स कर जाएगा, यानी कि फिर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट गलत है. सेकंड है सप्लीमेंट्री ग्रांट एन एडवांस ग्रांट टू मीट एक्सपेंडिचर. नो, एक्चुअली सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब है कि एक्स्ट्रा जो है, यदि सपोज 5000 करोड़ का प्रोविजन किया लेकिन 5000 करोड़ में पूरा नहीं हुआ तो 500 सपोज सप्लीमेंट्री ग्रांट किए, तो ये एडवांस ये नहीं होता है, ये होता है एक्स्ट्रा ग्रांट. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. नेक्स्ट है वोट ऑन अकाउंट. तो देखो ये वाला सप्लीमेंट्री है, ये इसका डेफिनेशन है. एंड वोट ऑन अकाउंट जो होता है एन एडवांस ग्रांट टू मीट द एक्सपेंडिचर, ये है. ठीक है, तो कोई भी सही नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट कह रहा है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के संबंध में कह रहा है कि मोस्ट सुटेबली कैप्चर्स, तो कौन सा इसमें ग्लोबलाइजेशन के फीचर को कैप्चर करता है. तो फर्स्ट है इट इज अबाउट कंडक्टिंग एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये स्टेट्स के बीच में सिर्फ नहीं है, ये जो एक्सटर्नल रिलेशन नहीं है ये है आपका सोशल और खास करके आर्थिक पे ज्यादा है. ये स्टेट टू स्टेट रिलेशन नहीं है ये. अब फॉर एग्जाम्पल एक आदमी अमेरिका में जा रहा है जॉब करने, या एक अमेरिकन यहाँ आ रहा, या एक स्टूडेंट पढ़ने अमेरिका जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा, फ्रांस जा रहा है, तो ये सिर्फ एक्सटर्नल रिलेशन ये के संबंध में ये नहीं है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कमिंग टूगेदर ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन बाई पासिंग टेरिटरी. सही. इट रेफर्स टू थिंकिंग ट्रांस टेरिटोरियलिटी अबाउट ग्लोबल ग्लोबल रिस्क अफेक्टिंग पीपल. यस सही है. इट हैज अ विशफुल विजन टू सुपर स्टेट, ये सुपरा स्टेट गवर्नेंस. इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट के बियॉन्ड सोचने का कि हमारी गवर्नमेंट है तो सिर्फ हम यहीं के बारे में सोचें, नहीं, हम एक तरह से अपने बेनिफिट्स के लिए आउटर साइड भी सोच सकते हैं. तो ये 2, 3, 4 सही है. तो सी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेज ए बजट हैज टू गो थ्रू इन द पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट में बजट आपका पास होता है तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है और कौन ऑर्डर में है, तो पहले से लेकर के आखिरी तक. तो सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, सबसे पहले बजट को पेश किया जाता है, तो ये एक नंबर में हो जाएगा. फिर उसके बाद जो होता है जब पेश होता है उसके बाद स्क्रूटिनाइज किया जाता है कि जो विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है कि जो मांग किया गया वो जायज है या नहीं, तो दो किया जाता है. फिर उसके बाद जो है अप्रोप्रिएशन बिल को पास करते हो. ठीक है, और लास्ट फिर आप ये करते हो फाइनेंस बिल को पास करते हो. तो 1, 2, 4, 3, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट कह रहा गवर्नमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अपॉइंटेड द राजमन्नार कमिटी टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन. एक्चुअली राजमन्नार कमीशन वो समय में आया था जब एक तरह से ना देखा जाए तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था. तमिलनाडु गवर्नमेंट एक तरह से सेपरेटिस्ट एटीट्यूड अपना रही थी कि हमको बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सेंटर अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करे. तो इसमें इनफैक्ट ये गवर्नर के पोस्ट को ही समाप्त करने का प्रोविजन दिया गया है. इसका रिकमेंडेशन था कि गवर्नर जो है गवर्नर का पोस्ट ही समाप्त कर दिया जाए. फिर ऑल इंडिया जो सर्विसेस है AIS जो ऑल इंडिया सर्विसेस है उनको भी समाप्त करने का इसने प्रोविजन दिया था. फिर और बहुत सारे जो प्रोविजंस थे इसके तहत थे, तो ऑब्वियसली नहीं माना जाना था तो नहीं माना गया. तो डी इसका सही है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे धर कमीशन. धर कमीशन जो आपका यस के धर कमीशन थे तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिया था वो स्टेट के रिओर्गेनाइजेशन के संबंध में दिया था.
तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने कहा था कि जो इनको ये किया गया था कि टू रिकमेंड वेदर द स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और नॉट, उन्होंने कहा नहीं, जो आप स्टेट को है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं कर सकते हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे कर सकते हो। तो ये था टू रिकमेंड वेदर द स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और नॉट। इसके पहले जेबीपी कमीशन बना था जो ये भी, तो उसने भी दिया था जो इसमें जवाहरलाल नेहरू आपके वल्लभ भाई ये पटेल और जो पट्टा भी सीतारामैया थे, तो उन्होंने भी दिया कि नहीं वो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर ऑब्वियसली है आंध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, तो इसका बी आंसर हो गया। तो टोटल इसमें 15 क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट में जो हम 16, 15 और से ही और सारी चीजों को देखेंगे। तो कीप वर्किंग, कुछ भी क्वेश्चंस की रीड आउट है तो कमेंट में कमेंट करो, या फिर हमें आप इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।